हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 का हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पीपर पात सरिस मंडोला में सरिस वाचक शब्द है। कुमार गंधर्व ने संगीत की शिक्षा पंडित बी आर देवधर से की थी। जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं? साधारण वाक्य कहते हैं। सूरदास जी कितने वर्षों तक जीवित रहे? 104 वर्षों तक। अमरकंटक से भेड़ाघाट की दूरी नर्मदा नदी ने कितने मील में तय की? 165 मील में। रिक्त स्थान दिए गए हैं। पुराणों में उज्जैन नगर का उल्लेख मिलता है। सुंगों के बाद दक्षिण से आए कौन आए थे? बताना है। प्रार्थना की पुकार है, विश्व की पुकार है, क्या हो जाएगा? विश्व। गांधी जी ने गीता अंग्रेज मित्र को पढ़ाई और उससे क्या पढ़ी थी? बताना है। अपराहन शब्द का विलोम पूर्वाहन। यहाँ से प्रश्न देख लेना है हम सभी। बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन प्रारंभ किया था? आर्यभट्ट को प्राचीन भारतीय विकास का सबसे चमकीला सितारा क्यों कहा जाता है? निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। कम खाने वाला, अल्पाहारी, जो अनुकरण करने वाला हो, अनुकरणीय, जिसे का कभी अंत ना हो, निरांत हो। शोषण चिन्ह की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखना है। पाँचवा है, विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। इसमें लेखिका ने जब चंद्रा को कार से उतरते देखा तो आश्चर्यचकित क्यों रह गई? ये सातवां प्रश्न, समाज विग्रह कार्य की समाज का नाम। संगीत की महिमा अपने शब्दों में व्यक्त करना है। ये साप्रसंग व्याख्या करनी है। क्या करना है? साप्रसंग व्याख्या। जाति वालों में मोहन के विलायत जाने का विरोध क्यों किया था? पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है? लिखना है। छायावादी कवियों की त्रिमूर्ति के नाम पंत, निराला और दिनकर थे। इनके पूरा नाम लिख देंगे। इसमें प्रजा जी को शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना अथवा में वृक्षारोपण के महत्व के लिए बताना। लास्ट प्रश्न है, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो चार निबंध दिए गए हैं, जो आता हो उस पर हम निबंध लिख देना है।